चंदू को नया काम मिल गया था, लेकिन अब चंदू के साथ उसकी नीरू को भी काम मिल गया, वो भी गाना गाने का। जी हाँ, उसकी तरक्की हो गई। पहले वो वेट्रेस थी, अब वो भी सिंगर बन गई है। अभी सिंगर तक आ चुकी हूँ। ये सफर बड़ा ही कठिन रहा, लेकिन थैंकफुली एक दिन हमारे यहाँ अनु मलिक जी आएंगे और तुम्हें सिलेक्ट कर कर लेके। मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर मेरी आवाज सुने, मुझे सिलेक्ट कर ले। तुम्हें जरूर सिलेक्ट किया जाएगा। अब जब चंदू और नीरू दोनों मिलकर गाना गा रहे हों, तो यहाँ भी भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की तरह जंग होनी ही है, और दोनों की ये प्यार भरी जंग देखते ही बनती है। शी सिंग्स रियली वेल, वो इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट रह चुकी है, ऑडियंस में बैठती थी और गाने सुनती थी। चंदू और नीरू दोनों ही क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे मुकाबले के लिए बेहद उत्साहित हैं। लेकिन उन्हें अफसोस भी है कि वो ये मैच नहीं देख पाएंगे अपने शूटिंग के कारण। मुझे ये तो नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन यस, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है और मैं तो थारूली चाहती हूँ कि इंडिया जीते जीते जीते। आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है मैच देख नहीं पाएंगे क्योंकि शायद हम शूट कर रहे होंगे, लेकिन अगर टाइम ऑफ मिला ना, ट्रस्ट मी, आई रियली वांट टू वॉच दिस मैच। चंदू और नीरू भले ही क्रिकेट मैच ना देख पा रहे हों, लेकिन वो क्रिकेटरों का हौसला सेट पर बैठे बैठे जरूर बढ़ाएंगे उन्हें टिप्स देकर। तो ये ऐसे बैट रखना, ऐसे बॉलर है, सीधा ऐसे ही मार देना बॉल को हर टाइम घुमा के। बॉलर को अगर मुझे मैसेज देना हो तो मैं ये कहूँगी कि बॉल उठा के डायरेक्टली प्लेयर के कहीं पर भी मार दो, ताकि वो तो उस टाइम उसको चोट वोट लग जाए, वो वहाँ से चला जाए। कोई भी अच्छा प्लेयर जो आपको लग रहा है अच्छा बैट्समैन, जो वहाँ पर टिका पड़ा है पिच पे, ये ले दवा दम उसको मार दो, ठीक है। तुम भी थोड़े टाइम के बाहर हो जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होता, एटलीस्ट वो प्लेयर तो बाहर हो गया। तो ये मेरा बॉलर को मैसेज होगा। एंड क्रिकेटर को अगर मैसेज देना है तो मैं बोलूँगी कि उनको ना अपना बल्ला उठा के बॉलर के ऊपर फेंक देना चाहिए। चंदू और नीरू का ये क्रिकेट प्रेम भले ही हमें पहली बार देखने मिला है, लेकिन इन दोनों के बीच का प्यार हमें सीरियल में उनके गानों के जरिए जरूर देखने मिलता रहेगा, क्योंकि जब भी हम जाते हैं दोनों गाने ही गाते रहते हैं। लेकिन आज तो हम भी कहेंगे कि आप दोनों गाते रहिए जीत के गाने, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जीत के गाने। चक दे फटे। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट।